का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, कई सारे लोग हमारे पास मैसेज कर रहे हैं कि सर BCCLE का फर्स्ट राउंड का जो काउंसलिंग हुआ था उसके अनुसार मुझे कॉलेज तो मिल गया था, लेकिन कॉलेज मिल गया था बट मुझे किसी कारणवश मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है नहीं करवा पाया, तो क्या मैं सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं? तो डेफिनेटली डियर, आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। जब तक आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाएं, जब तक आप वैलिड नहीं हैं, आप सेकेंड राउंड में नहीं जा सकते। अब आपको क्या करना होगा, अब आपको जो है मॉप अप राउंड अगर होता है, क्योंकि पिछले साल हुआ था तो हो सकता है कि इस साल भी आपका हो, अगर मॉप अप राउंड होता है तो आप उसमें जो है जा सकते हैं और आपको कोई चॉइस फिलिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑफलाइन होती है तो ऑफलाइन आप अटेंड कर सकते हैं। उसके लिए एक विलिंगनेस फॉर्म जारी किया जाता है जो कि BCCI बोर्ड की तरफ से, तो वो कैसे विलिंगनेस फॉर्म सबमिट करना है, कैसे भरना है, वो सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम देंगे। चलो, ये तो एक सवाल था। एक और स्टूडेंट का सवाल था और मुझे नहीं लगता है कि वो एक्चुअली इंटरेस्टेड होगा बीटेक करने में, क्योंकि उसे यही नहीं पता है कि फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट रिज़ल्ट कब आया। मतलब इतना ख़राब क्वेश्चन पूछा कि लगा कि जैसे इसको क्या ही बताएं। लेकिन खैर, यहाँ पे जो है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग जो है जारी कर दिया गया था, अब जो है सेकंड राउंड जारी किया जाएगा। तो जो लोग फर्स्ट राउंड नहीं देख पाए थे किसी कारणवश, हो सकता है कि उनका तबीयत ख़राब हो या फैमिली में और भी कई सारे इशूज़ हो सकते हैं जिसके कारण से वो नहीं देख पाए थे अपना अलॉटमेंट लेटर या डाउनलोड नहीं कर पाए थे, तो उन लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही मौका मिलेगा जो कि मॉप अप काउंसलिंग मिलेगा, और वो भी अगर करवाया जाएगा तभी मौका मिलेगा, क्योंकि 2020 में नहीं हुआ था, 21 में फर्स्ट टाइम जो है मॉप अप राउंड जारी किया गया था। तो अगर इस बार 22 में भी जारी किया जाता है देन उनके लिए जो है अपॉर्चुनिटीज़ रहेगा कि वो ऑफलाइन काउंसलिंग में जा सकते हैं। कई सारे लोगों का यह भी सवाल था कि सर मैंने अपग्रेड किया है तो कितना परसेंट संभावना है कॉलेज चेंज होने का? तो डियर, मात्र 10%। कितना? मात्र 10% आपका चांस है कि अपग्रेड होने के बाद आपको जो है कॉलेज दूसरा मिलेगा, मात्र 10%। जिनको जो कॉलेज मिला है 90% संभावनाएं वही है कि आपका वही कॉलेज मिलेगा, अपग्रेड में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, 10% संभावनाएं हैं कि आपका चेंज होगा। ओके, और जिनको फर्स्ट राउंड में नहीं मिला था उसमें कई सारे स्टूडेंट्स को इस बार सेकेंड राउंड में उनको कॉलेज मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि कितना नंबर ऑफ़ सीट्स खाली है। और दूसरी बात कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक भी जो है BCCI बोर्ड की तरफ से जारी नहीं किया गया था, जिसके कारण से मैं नहीं बता सकता कि कितने रैंक तक जो है एडमिशन आपका हुआ है या सेकेंड राउंड में होगा। सेकेंड राउंड में देखो, अब डेफिनेटली अब सेकेंड राउंड और फर्स्ट राउंड दोनों का हो सकता है कि साथ में ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक जारी किया जाए। अगर किया जाता है देन वेरी फाइन, और आप लोगों का कल जो है अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। तो कल आने वाला है 7 अक्टूबर को आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर आने वाला है। इसका मतलब आप ये मत समझिएगा कि आपका जो है 7 तारीख को 10 बजे सुबह में ही आ जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपका पास जो है 7 अक्टूबर पूरा रात तक वेट करना हो, तो मैक्सिमम मैं बोलूँगा कि 3 PM के बाद ही चेक करना। 3 PM के बाद चेक करोगे तो संभावनाएं हैं कि अलॉटमेंट लेटर जारी किया हुआ रहेगा, बाकी अगर नहीं किया हुआ रहेगा तो और लेट तक भी आप जा सकते हो। ये बोर्ड के मेंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब जो है अलॉट करते हैं, कब रिज़ल्ट पब्लिश करते हैं अलॉट करने के बाद। बाकी अगर कोई भी और सवाल है BCCLE से रिलेटेड तो आप अपना सवाल कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। थैंक यू।